बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, अस्सलाम वालेकुम व्यूअर्स, वेलकम टू माय चैनल आयशा स्पेशल्स। आज मैं आप लोगों के लिए लेकर आई हूँ ईद के हवाले से स्वीट डिश लेकर आई हूँ। ये है कॉकटेल डेजर्ट। ये बहुत कम इंग्रेडिएंट्स में और बहुत जल्दी बन जाएगी और बहुत मज़े की बनती है ये। उसके लिए ये मैंने कॉकटेल टिन जो है जिसमें फ्रूट्स होते हैं, ये मैंने लिया है एक टिन। तकरीबन ये 500 ग्राम के करीब है। थोड़े से मैंने फ्रेश फ्रूट्स लिए हैं जिसमें मैंने बनाना, एप्पल और ग्रेप्स लिया है। आप चाहें तो मैंगो या और भी फ्रूट्स आप ले सकते हैं, स्ट्रॉबेरी ले लें इस टाइप के। इसमें मैंने नट्स डालूंगी। इसमें मैंने अखरोट लिया है। आप चाहें तो कोई भी नट्स ले सकते हैं, जेली डाल सकते हैं या कुछ और भी आप जो डालना चाहें आप ले सकते हैं। ये कंडेंस मिल्क लिया है मैंने, ये तकरीबन 397 ग्राम है। और ये हमारी जो है क्रीम मैंने ली है 1 लीटर के करीब। ठीक है, अब मैं इसको अपनी रेसिपी स्टार्ट करती हूँ। उसके लिए रेसिपी के लिए आप मेरी वीडियो एंड तक देखिएगा। ये 1 लीटर है, अभी मैं इसको तकरीबन हाफ डाल रही हूँ। इसमें कंडेंस मिल्क जाएगा, चीनी नहीं ऐड करिएगा। ये मैं कंडेंस मिल्क भी हाफ डाल रही हूँ। इसमें शुगर ऐड नहीं होगी, वो इसलिए ऐड नहीं होगी क्योंकि जब ये हम ठंडा करने के लिए रखेंगे और उसके बाद जब सर्विंग डिश में निकाल के जब हम रखते हैं तो उसके थोड़ी देर बाद जो है चीनी पानी छोड़ देगी, उसकी वजह से वो सारा पानी पानी हो जाएगा। आपने इसको मिक्स करना है अच्छे से कंडेंस में। अगर आप ज़्यादा तेज़ मीठा खाते हैं तो फिर आप जो है पूरा कंडेंस में ले लीजिएगा, मैंने हाफ लिया है। ये अच्छा से कंडेंस मिल्क और हमारी जो क्रीम थी मैंने इसको अच्छे से मिक्स कर लिया है। अब मैं इसके अंदर ये नट्स डाल रही हूँ, आप कोई भी नट्स ले सकते हैं। फ्रेश फ्रूट डाल रही हूँ अपने। ईद के हवाले से रेसिपी हमारी बहुत अच्छी है कि अगर आपके घर में मेहमान आ रहे हैं, आपके घर में दावत है और काम बहुत है तो आपने बस इसको झटपट तैयार करना है और इसको फ्रिज में रख देना। इसको आपने बहुत देर तक, तकरीबन 4 से 5 घंटे इसको आपने फ्रिज में रखना है। बस ये हमारे तैयार हो गई है। अब मैं इसको 4 से 5 घंटे, जो भी आपकी रिक्वायरमेंट हो, आप इसको सुबह से बना के रख लें और मेहमान अगर आपके दोपहर में आ रहे हैं तो आप इसको रात में भी बना के रख सकते हैं। बस अब ये क्रीम जम जाएगी इसकी और ये बहुत मज़े का हमारा डेजर्ट तैयार हो जाएगा। इसका फीडबैक ज़रूर दीजिएगा मुझे कि आप लोग को ये कैसी लगी है और आप लोग बनाइएगा ज़रूर।